हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है। आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज कहीं ना कहीं दंगल का मैं कलेक्शंस देख रहा था चाइना में, और अब दंगल टॉप 10 पोजीशन से उतर चुकी है। जी हाँ, अपना जो करीबन करीबन 2 महीने का लॉन्ग रन था वो इसने आई थिंक कंप्लीट कर लिया। कुछ जगहों पर शायद अभी भी होगी, लेकिन इसके कलेक्शंस बताए नहीं जा रहे अभी तक। और 57 डेज का जब तक मैंने कल तक का कलेक्शन बताया था, 1,226 करोड़ तक का कलेक्शन मैंने बताया था, और आज जो कलेक्शन मुझे पता नहीं चल पाया, यानी 58 डेज का कितना हुआ है, क्योंकि टॉप 10 फिल्में जो बनी हुई थी चाइना में करीबन करीबन 2 महीने के आसपास तक, अब वो फिल्म उतर चुकी है। और कहीं ना कहीं वैसे भी अगर देखा जाए तो आज 1 जुलाई है, और वैसे भी 4 तारीख तक का ही उसका दिन दिया गया था एक्सटेंशन 4 जुलाई तक का। यानी कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन भी हुआ तो 1,230 करोड़ के आसपास तक का इसका लाइफ टाइम कलेक्शन होगा चाइना में ग्रॉस कलेक्शंस। आई होप आप ज़रूर खुश होंगे। दुख की बात इसलिए भी नहीं कि इसने वो कारनामा कर दिखाया जो किसी और बॉलीवुड मूवी ने नहीं कर पाई, जो 1,200 वर्ल्ड वाइड करोड़ कमाने का और 1,200 करोड़ भी कमा ली चाइना में ग्रॉस कलेक्शन के हिसाब से, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो आई डोंट थिंक मैं अब कलेक्शंस बताऊंगा दंगल के, चाइना का तो बिल्कुल ही नहीं बताऊंगा, बाकी कहीं और रिलीज़ हुई तो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा मार्केट चाइना ही था। तो आई थिंक दंगल हमारे दिलों में हमेशा ही बनी रहेगी एक अच्छी फिल्म की तरह। और चलिए, इसी तरह की न्यूज़ आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही मेरी वेबसाइट bollywoodcraze.com पर विजिट करना ना भूले, जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेटेड आर्टिकल्स मिलेंगे। चलिए फिलहाल के इतना ही, बाय।